कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल से पुलिस के साथ कोलकाता की रहने वाली युवती इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पहुंची और दहेज की संपत्ति की रिकवरी की बात कहते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल दहेज प्रताड़ना के इस मामले में कोलकाता से इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पहुंची विवाहिता निधि जिंदल ने बताया कि 2020 में उसकी शादी इंदौर के स्कीम नंबर 54 स्थित विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले अंकित अग्रवाल से हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो उन दोनों में अच्छे रिश्ते है, लेकिन समय बीत जाने के साथ ही पति अंकित अग्रवाल लिलुहा हावड़ा कलकत्ता की रहने वाली निधि को अलग अलग तरह से प्रताड़ित करने लग गया और मारपीट करने लगा। पीड़िता पर अंकित की मां नीलम, बहन पूजा भी परेशान करते थे। जब पीड़िता निधि की सहन शक्ति खत्म हुई तो शादी के करीब 8 महीने बाद वहां अपने मायके कोलकाता चली गई। जब दोनों के बीच के रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए तो पीड़िता ने पति और ससुराल वालों से पिता द्वारा दिए गए दहेज को वापस मांगा, जहां आरोपी और उसके परिवार ने ली गई राशि और अन्य सामग्री लौटाने से इनकार कर दिया। जहां पीड़िता की पहल पर मामला कोलकाता के स्थानीय कोर्ट में पहुंचा। समय बीतने के बाद कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को आदेश दिए कि वहां इंदौर पहुंचे और आरोपी युवक से दहेज की राशि और सामग्री की रिकवरी करे। इसी कड़ी में सोमवार को पीड़िता कोलकाता के हावड़ा के बेंगलुरु पुलिस के साथ इंदौर के विजयनगर थाने पहुंची, जहां विजयनगर पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकित के 3 बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल के साथ ही रिकवरी की जा रही है। बताना चाहेंगे कि दहेज प्रताड़ना के इस मामले में फिलहाल पति पत्नी के बीच तलाक नहीं हुआ है। असल में हावड़ा सिटी पुलिस का पास सिटी पुलिस का पास 75/5/2021 बेलूर थाना का नंबर उनके उन केस के लिए सिर्फ 3 आर्टिकल जो है वो रिकवर करने के लिए आया। एक्सिस बैंक साजी प्लाजा और दूसरा बैंक है SBI भामुरी ब्रांच। किसका अकाउंट है ये? लॉकर में गोल्डन ऑर्नामेंट है कि और नॉट, इसीलिए देखने के लिए वो जो कोर्ट है ना, कोर्ट के पास से डिक्लेरेशन दे दिया ये बिल टाइम के, इसीलिए। महिला कहाँ की है सर? महिला है तो कौन से क्षेत्र की महिला? कहाँ महिला का? वो जो पिताजी का हाउस वो हावड़ा सिटी में। हाँ, तेलंगाना। वेस्ट बंगाल। हाँ, आरोपी कौन है इसमें? आरोपी मीन्स जिसको पकड़ा है? ना, पकड़ाना नहीं है, वो कोर्ट से बेल ले ली। अच्छा, बेल ले ली है। हाँ, क्या आदेश के बाद जब्ती करने के लिए आया? सिर्फ 3 आर्टिकल्स जो महिला का सामान है वो रिकवर करने के लिए आया, सिर्फ इसलिए। सामान में क्या क्या है? वो तो बहुत सामान है, मेरा पास लिस्ट है। अच्छा, लॉकर भी उसमें? हाँ, लॉकर में गोल्डन आर्टिकल्स है, इसीलिए है। आज विजयनगर पुलिस ने आपका सहयोग किया? हाँ, सहायक है, मेरे पास साथ रहेगा विजयनगर पुलिस। आपका नाम बतला दीजिए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर समीर कुमार बेड़ा। आपकी शादी कहाँ पर हुई थी और क्या मामला हुआ आपका? शादी हुआ था यही इंदौर में मैरियट होटल में 29 जनवरी 2020 में। और वही शादी के बाद जो रेगुलर सबके यहाँ होता है बदतमीज़ी और वो सामान के लिए परेशान करना, सब चीज़ चल रहा था, काफ़ी टाइम तक चला था। पिछले साल सितंबर में ही हम लोग आए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकवरी के लिए, उस टाइम पे कोई सामान मिला नहीं हम लोग को, और अभी वापस से कोर्ट का ऑर्डर के साथ दोबारा आए हैं। कल आए हैं हम लोग और आज रिकवरी है, तो जो मिलेगा देखते हैं, वरना दोबारा कोर्ट का ऑर्डर लेने आएंगे। और क्या इंदौर में कहाँ पर हुई थी शादी और क्या नाम है आपका? इंदौर में हुई थी, विजयनगर में ही हुई थी शादी मेरी, और मेरे हस्बैंड का नाम अंकित अग्रवाल है। उन्होंने पिछले बार जब फर्स्ट रिकवरी हुआ था उसके बाद उन्होंने मेरे और मेरे पूरे फैमिली के ऊपर में केस लगा दिया पुलिस स्टेशन में कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती घर में आके सामान ले लिया और झगड़ा करके गए हैं, और उसके अलावा और भी अलग अलग केस लगा दिए मेरे पे, मेरे भैया पे, मेरे जीजू पे, सब पे केस लगा रखा है।
और अभी दोबारा से आया है, दोबारा से क्या पता फिर से हम लोग के ऊपर केस लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग के पास तो कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग को तो आना ही पड़ेगा। कोर्ट ने किस तरह का आदेश दिया है, क्या क्या? कोर्ट ने रिकवरी का आदेश दिया है कि सारा सामान रिटर्न करो, और यही आदेश है। पुलिस को भी बोला है कि इस बार जाके बैंक और लॉकर सब चीज़ चेक करने को, पिछले बार जैसे बैंक की लॉकर चेक नहीं हुई थी। तो पुलिस का पूरा सपोर्ट है, दोनों तरफ का ही पुलिस का सपोर्ट है, इंदौर का भी और कलकत्ता का। कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम लोग कलकत्ता से, कलकत्ता कलकत्ता से, कलकत्ता से। पुलिस भी आपके साथ आई है, इंदौर पुलिस थोड़ा सहयोग मिल रहा है, सब पूरा सहयोग मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? मेरे को मेरा सामान वापस चाहिए, और क्या चाहिए। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम निधि चिंतन, निधि। असल में हावड़ा सिटी पुलिस का पास, सिटी पुलिस का पास 75/5/2021 बेलोड थाना का नंबर, उनके उन केस के लिए सिर्फ 3 आर्टिकल जो है वो रिकवर करने के लिए आया। क्या कहाँ की महिला है, क्या नाम है? 498 406 का मामला है। तो क्या आज क्या जब्त करने आए आप लोग यहाँ पर, कौन सी बैंक का लॉकर है? एक एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक साजी प्लाजा, और दूसरा बैंक है SBI भामुरी ब्रांच। किसका अकाउंट है सर? ये लॉकर में गोल्डन ऑर्नामेंट है कि और नॉट, इसीलिए देखने के लिए वो बैंक जो कोर्ट है ना, कोर्ट के पास से डिक्लेरेशन दे दिया ये बिल टाइम के, इसीलिए। महिला कहाँ की है सर? महिला है तो, महिला है तो। कहाँ, कौन से क्षेत्र की महिला? कहाँ महिला का? वो जो पिताजी का हाउस वो हावड़ा सिटी में। हावड़ा सिटी में? हाँ। ना तेलंगाना? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। हाँ। आरोपी कौन है इसमें? आरोपी मीन्स जिसको पकड़ा है इनके? ना पकड़ाना नहीं है, वो कोर्ट से बेल ले ली। अच्छा, बेल ले ली है। हाँ। क्या आदेश के बाद जब्ती करने के लिए आया? सिर्फ 3 आर्टिकल्स जो महिला का सामान है वो रिकवर करने के लिए, सिर्फ इसलिए। सामान, सामान में क्या क्या है? वो तो बहुत सामान है, ये मेरा पास लिस्ट है। अच्छा, लॉकर भी उसमें है? हाँ, लॉकर में गोल्डन आर्टिकल्स है, इसीलिए है। आज विजयनगर पुलिस ने आपका सहयोग किया? हाँ, सहायक है, मेरे पास साथ रहेगा विजयनगर पुलिस। आपका नाम बतला दीजिए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर समीर कुमार बेड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट।